जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में और उसी श्रृंखला में हमने कुछ वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसी श्रृंखला में नेक्स्ट जो नदियाँ रह गई हैं उनके बारे में जानेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनकी, क्या उनका इम्पोर्टेंस है हमारे MP में, उन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटी सी कविता के साथ में। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर प्रकार की जो अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहे बिना किसी रुकावट के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो नदी आज की वीडियो में है वो चंबल रिवर है। तो चंबल नदी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और स्पेशली MP में इसका क्या योगदान है। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे गाइस, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी यानी कि नर्मदा के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। अन्य नाम की बात करें यानी कि चंबल नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं चरमावती के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो कि कबीरदास के मेघदूत में इसका वर्णन किया गया है। कामधेनु के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मध्य प्रदेश वह राजस्थान के मध्य सीमा बनाती है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए ये जो हमारी चंबल रिवर है यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा या फिर बॉर्डर बनाने का कार्य करती है। फिर बात करते हैं जलप्रपात। तो यहाँ पे कौन कौन से वो जलप्रपात हैं जो चंबल नदी के द्वारा बनाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लिख रखा है यहाँ पे चुलिया यानी कि जो कि कोटा भैसरोलगढ़ में पड़ता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जलप्रपात है भाई चंबल रिवर बनाया जाता है। फिर इसके बाद बात करेंगे चंबल नदी के किनारे स्थित कौन कौन से वो नगर हैं उनके बारे में। कभी कभी वनडे एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस लिखा है महू, धार, मुरैना, रतलाम, श्योपुर, तो वो सारे नगर हैं जहाँ पर हम कहेंगे कि चंबल नदी के किनारे स्पेशली बसे हुए हैं। फिर चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगर इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करी जाए तो ये लगभग 3 राज्यों में अपने पानी को आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट करती है। पहला है हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है UP। तो उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और मध्य प्रदेश, ये वो सारे स्टेट हैं जहाँ से चंबल नदी अपने पानी को डिपॉजिट करती है। और चलिए आगे बात करते हैं, चंबल द्वारा बनाए गए खंड को रावेंस बोलते हैं। तो ये गाइस याद रखिएगा, कभी कभी वनडे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि चंबल द्वारा जो बनाए गए खंड है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आपको बताने हैं रावेंस। फिर चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट है चंबल नदी का मिलन स्थल इटावा। इटावा ये आपको पता है यूपी में पड़ता है जहाँ यमुना में संगम होता है। तो चंबल नदी यमुना नदी से इटावा में मिलती है, ये यूपी का एक क्षेत्र है। उस स्थान को पंचनद कहा जाता है जहाँ पे ये मिलती है इटावा में यमुना नदी के साथ, उसको पंचनद कहा जाता है। अब इसको पंचनद क्यों कहा जाता होगा, इसके पीछे एक रीज़न यह है कि चूँकि यहाँ पे 5 नदियाँ मिलती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन से 5 नदियाँ आके मिलती हैं, जिसकी वजह से इसको पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। और वो कौन कौन सी नदियाँ हैं जो यहाँ पे आके मिलती हैं, तो पहला यहाँ पे आपकी यमुना होती है, दूसरा चंबल है, कुंवारी है, सिंध है और पहुँच है। ये वो सारी नदियाँ हैं जो यहाँ पर आके स्पेशली मिलती हैं, इसीलिए इसको पंचनद के नाम से भी जानते हैं। फिर गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे बांध यानी कि वो मेजर डैम्स कौन कौन से हैं जो चंबल नदी पर बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गांधी सागर बांध जो 115 मेगावाट का है, यह मंदसौर MP के मंदसौर वाले क्षेत्र में बना हुआ है। दूसरी बात करेंगे राणा प्रताप सागर, ये 172 मेगावाट के कैपेसिटी के साथ बना हुआ है, तो ये आप याद रख सकते हैं। थर्ड है आपका जवाहर सागर प्लस कोटा बैराज, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि ये MP और राजस्थान से मिलकर ये बना हुआ है। तो इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 99 मेगावाट इसकी पूरी कैपेसिटी है। सो गाइस आई थिंक ये चंबल नदी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इतना ही प्रिपेयर कर लेते हैं
तो मोस्टली चीज़ें आप चंबल नदी के बारे में जान जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं सोन नदी रिवर के बारे में। सोन नदी भी हमारे मध्य प्रदेश की एक रिवर है, जिसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अन्य नाम यानी कि सोन नदी के अलावा भी इसको और किस नेम से जाना जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिरण बाहु स्वर्ण नदी, सुसो नदी यानी कि रामायण में बालकांड में इस नदी का भी वर्णन किया गया है, तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सोन नदी तट पर मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। तो आपको पता है जो मार्कंडेय ऋषि होते हैं, मार्कंडेय ऋषि स्पेशली उनको बोला जाता है, तो उनका जो आश्रम होता है जहाँ पे वो निवास करते थे वो भी सोन नदी का ही वो तट माना जाता है। अगर बहाव की बात करें, बहाव का मतलब किस तरफ ये बहती है, इसका डायरेक्शन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर सोन नदी हमारी बहती है। फिर बात करें कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले में यह बहती है, तो मध्य प्रदेश के वे कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ से ये गुजरती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अनूपपुर है, शहडोल है, उमरिया है, सतना है, रीवा, सीधी, सिंगरौली। तो स्पेशली बात करेंगे ये जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है, स्पेशली यहाँ पे ये ये जो रिवर होती है वो बहती है। और इसके अलावा कुछ परियोजनाओं की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी परियोजना सोन नदी पर है। तो एक तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी फेमस है ये बाणसागर, जो कि शहडोल में बना हुआ है। तो बाणसागर एक परियोजना है जो सोन नदी पर बना हुआ है। फिर आगे बात करते हैं सोन नदी पर और कुछ क्या चीज़ें इसमें बनी है, कौन सी परियोजना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है नेहरू सेतु, जो कि बिहार में बना हुआ है, ठीक है, और ये सोन नदी पर ही बना हुआ एक प्रकार से आप कहेंगे परियोजना, इसीलिए इसको नेहरू सेतु हम कहते हैं और ये स्पेशली सोन नदी पर बना हुआ है। सो गाइस, आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, और यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट अपनी राय हमें ज़रूर बताते जाइए, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप स्पेशली किन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो अपनी राय और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपको एक्चुअल में किस चीज़ पर कंटेंट चाहिए, या फिर आप क्या बदलाव चाहते हैं वीडियो में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, आज के लिए बस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट ये सीरीज चलती रहेगी और पार्ट में वीडियो आते रहेंगे, और वहाँ पे स्पेशली हम पार्ट बाई पार्ट करके चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जा रहा है, ताकि आप लोग कम समय में चीज़ों को ज़्यादा प्रिपेयर कर सकें, इसलिए वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाए जा रहे हैं, छोटे वीडियो होते हैं, ताकि आप उसको कम समय में और काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से लर्न कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो यहाँ पे एक छोटी सी कविता से वीडियो को एंड करेंगे कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो गाइस, ये एटीट्यूड हमेशा आप रखें अंदर कि अगर आप रिस्क लेते हैं लाइफ में, यदि आप कुछ बड़ा करते हैं, तो निश्चित ही प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आपने पेशेंस बना रखा, उस टाइम पे आपने कुछ बेहतर कर लिया कि हाँ मुझे यहाँ पे रह जाना है, अडिग रहना है, और मुझे फ्यूचर में कुछ बेहतर करने हैं, तो यकीन मानिए दोस्त, आप निश्चित ही कुछ बड़ा कर पाते हो लाइफ में। क्योंकि जब आपकी थिंकिंग इतनी पॉजिटिव होती है, तो निश्चित ही रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव ही आता है। तो कभी भी मत डरिए रिस्क लेने से, क्योंकि अगर जीत गए तो फिर आप ही रहते हैं, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर हार भी जाते हैं किसी भी कारण से, और मुझे तो नहीं लगता कि आप इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं तो आप हार जाएंगे, लेकिन फिर भी बाय चांस अगर कभी ऐसा होता है भी है, तो यकीन मानिए आपसे बड़ा फिर गुरु और कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर चलिए गाइस, यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको यह वीडियो, उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलो फिर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।